आज हम आपको ये दलिया की खिचड़ी बनाना सिखाते हैं। इसमें देखिए, मैंने मूंग की दाल और थोड़ी सी लाल मसूर की दाल डाल दी, क्योंकि चावल की खिचड़ी खाने का मन कर रहा था और वो हम खा नहीं सकते क्योंकि हमें जुकाम है। तो हम ये बनाने जा रहे हैं दलिया की। ये हेल्दी भी है और आपका खिचड़ी खाने का जो मन होगा तो वो भी पूरा हो जाएगा, और साथ साथ रोटी सब्जी दो चीज़ें नहीं बनानी पड़ेंगी। और इसमें जैसा ही वेजीज भी जाएगी। अब देखिए क्या क्या वेजीज लिए। तो लगेगा दलिया जो आती है, ठीक है, कोई भी जो आप लेते हो, मारी वाली कौन सी है, पैकेट तो फेंक दी यार बाहर, जौ वाली थी शायद, ठीक है, कोई भी जो दलिया आती हो देख लेना अपना। और ये मूंग की दाल है, पीली वाली जो होती है, और ये लाल, तो क्योंकि दाल डाली हुई ना, इसको थोड़ा भिगो देना, दाल चाहे तो अलग से भिगो देना या फिर कुकर में बनाना पड़ेगा। मैंने भिगो दी इसमें, मुझे तो कढ़ाई में बना सकती हूँ। उसके अलावा सब्जी का देख लेते हैं। अब आज में प्रॉब्लम होगी क्योंकि जुकाम है, एडजस्ट कर लेना। ये पालक है, सोया मेथी है, जो जो सब्जियां काटी थी अपने भाई के लिए बनाई थी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी सब्जियां, मिर्चा, टमाटर, मटर, अब जो भी वेजीज पसंद करो यार डाल सकते हो, ठीक है। तो पालक का टेस्ट हरी मटर का बहुत अच्छा लगता है, गाजर भी है भाई, विटामिन ए मिल जाएगी, ठीक है। अदरक ठंडियों में, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, जिसको नहीं पसंद वो बंदर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जस्ट जोक, जस्ट स्टार्ट। तो अभी हमने पैन रख दिया, इसमें हम चाहे तो 1 चम्मच घी डालें। घी मुझे पसंद है, बड़ी जुकाम है तो मुझे खाना नहीं है ज़्यादा, तो अभी फ़िलहाल तेल डालते हैं। तो ये मैंने इतनी सी ऑयल डाली है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा और के बाद हरी मिर्च, जीरा, जब जीरा कहकर होने लगे चट 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 चट, तो समझो भून गया बढ़िया, बहुत अच्छी सी अरोमा आने लगी है। ये तो जुकाम है फिर भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी तो आई रही है। अब इसी में हम हरी मिर्च और अदरक कद्दूकस करके डाल देंगे। तो ये देखिए अदरक इसमें हो गया, हरी मिर्च और जीरा, कितनी चीज़ डाल दी। अब अदरक लहसुन भी घिस के डाल सकते हो, बट बहुत जल्दी बनाना, मुझे भूखा चाहिए। तो ये हो गया कलरफुल करने के लिए। अब हम इसमें टमाटो और थोड़ा सा अपना मसाला, सिर्फ और सिर्फ जीरा और काली मिर्च, ठीक है, वो डालेंगे, देन वेजीज ऐड कर देंगे। ओके, तो ये देखिए टमाटर हो गए, फिर मैंने मसाले डाल दिए, जीरा डाल दिए, ठीक है। अब इसमें सब्जियाँ ऐड कर देंगे, क्योंकि सब्जियाँ देख सकते हैं, ये पालक पहले थोड़ा गाजर मटर डाल के तो मछली मिक्स हो गया, वैसे आपने अलग अलग काटा तो बेहतर मिल जाएगा, गाजर मटर डालू डालू, ठीक है, मेरा मिक्स हो गया काफ़ी दुकान से बनाएंगे। मैंने कोशिश की फालतू दाने में बनाई थी, पहले उसको मिक्सअप होने देते, उसके बाद में नहीं डालेंगे काला बड़े। ये कलरफुल लगेंगे, हमारी सब्जियाँ हो गई। आप क्या सब्जी नमक डाल के थोड़ी सब्जी निकाल सकते हैं, रोटी के साथ खानी है। और उसके बाद आप अपने ये दलिया का जो है उसको धो करके, बिन करके, अच्छे से वॉश करके, फिर भिगोया हुआ ये पानी निकाल करके, मतलब छान करके इसका इसमें मिला देंगे थोड़ा भुनने के बाद। तो आधी सब्जी मैं निकालूँगी खाने के लिए रोटी से, वाइट करिए, और फिर आधे में मैं दलिया बना लूँगी। तो एक साइड दो काम हो गया बन गया। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी कुक हो चुकी है, आधी सब्ज़ी मैं निकाल दी, उसको तावे में धीरे से तड़का लगाएंगे, थोड़ा और अच्छा से ब्राउन कर दिया है, और बाकी दलिया के लिए मैं फ्री चाहिए। तो जो तावे पर फ्राई कर दिया सब्ज़ी आप निकाल करके, तावे पर आप प्याज डाल के थोड़ा लहसुन डाल के फ्राई करके सब्ज़ी अच्छी कर सकते हैं। बस आपको पकाना नहीं पड़ेगा, बस एक बार में प्याज ज़्यादा डालती हूँ,
ये सब्जी उठा के डालेंगे, बस हो गया। और उसके बाद हम डालेंगे ये, ठीक है, दलिया। इसमें हमने दाल नहीं मिलाई है, ये देखिए दलिया हमने थोड़ी देर भून लेंगे। एक चम्मच घी डाल, इसी स्टेज पर हम एक चम्मच घी भी डाल देंगे और इसको थोड़ा देर भून लेंगे, कम से कम 2-3 मिनट। इससे इसमें अच्छे से सब्जियों का और मसाले का भुने हुए जीरे का पेस्ट चला जाए, ठीक है। बस अब इसके बाद हम पानी डाल देंगे और नमक, और जब थोड़ा पक जाएगा तब काली मिर्च ऊपर से बाद में थोड़ा सा और डालेंगे। मुझे टेस्ट पसंद है, आप चाहे तो मत डालें, कोई जरूरी नहीं। सॉरी, तो ये देखिए कितनी बढ़िया सुंदर दिख रही, बिल्कुल पुलाव जैसी। तो आपको जिस हिसाब से पसंद हो, ड्राई गीली वैसे बना सकते हो, जिस हिसाब से आपको पानी ज़्यादा कम, दाल है इसमें तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, ओके। पहले चलिए फिर देखते हैं कितना लगेगा, ठीक है। थोड़ा एक कटोरा पानी और, उसके बाद नमक स्वाद अनुसार पकने देंगे। 5 मिनट बहुत है पकने के लिए। तो ये देखिए हमारी दलिया बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इतनी कलरफुल है तो हमें धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, पर चाहे तो आप धनिया से गार्निश कर लीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता। तो कैसी लगी मेरी हेल्दी कलरफुल खिचड़ी, ये कितनी बढ़िया, इसमें दाल भी है, सब्जियां भी हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।